हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अभी दो चार दिन पहले वीडियो डाली थी कि कबूतरों को गंडे कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उस चीज़ पे काफ़ी कमेंट्स आए हैं, काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि दोस्त भाई उस्मान भाई, ये बहुत से कमेंट्स इस तरह से आए कि भाई इतर लगा के दिखाइए कैसे इतर लगाना है। और दोस्तों गलती हमारी भी हो गई उसमें, उस दिन हम सिंगल थे वीडियो बनाने में, तो उसमें हम कैमरा एक ही बार सेट करके और अपनी वीडियो बनाने बैठ गए। ये पता नहीं चल पा रहा था कि कबूतर शो हो रहा नहीं हो रहा है, उसमें ना इतर लगाते हुए दिखे ना गंडे बनाते हुए दिखे। तो दोस्तों उस चीज़ की हम माफ़ी चाहते हैं। तो आज हम हमारे वहाँ तो कोई बचा नहीं था जिसके हम गंडे बनाते हैं, तो आज हम अपने दोस्त भाई के वहाँ आए, जिया भाई के वहाँ पर आए, तो उनका वहाँ भी काफ़ी कबूतर है जिनके गंडे आएंगे बनाने हैं। तो दोस्तों आज मैं पूरा आपको दिखाऊंगा इतर कैसे लगाना है, इतर भी दिखाऊंगा कैसे लगाना है, इतर का नाम भी बताऊंगा कौन सा इतर है, और दोस्तों आज गंडे खींच के भी दिखाऊंगा आपको लाइव का गंडे कैसे खींचना है और कैसे इतर लगाना है। बारीक गंडा भी होता है, चौड़ा गंडा भी होता है, नखुनी होता है, दूरा बोलते हैं, दुम होती है दोस्तों, तीरा बोलते हैं, सब तरीके से बना सकते हैं उस चीज़ से आप कबूतर, बहुत अच्छे गंडे आते हैं क्योंकि रिजल्ट उसका मेरा देखा हुआ है। मैंने अपने कबूतर काफ़ी बनाए और बन भी रहे हैं, मैंने आपको अपनी वीडियो में शो भी कराया था, बट कुछ कबूतर तो मेरे ऐसे थे जो बिना इत्र लगाए भी बन जाते, जो मेरे पास ब्रीड ऐसी है, बट जो इत्र लगाना है ऐसे कबूतरों को लगाना है जो दोस्तों कभी नहीं बनते इत्र से, या परफ्यूम अच्छा परफ्यूम हो वो भी बन जाते हैं। तो दोस्तों आइए टाइम बिना टाइम वेस्ट करें, मैं आपको शो कराता हूँ, मैं कबूतरों में हूँ अभी, तो मैं देखता हूँ किस कबूतर का गंडे बन जाएंगे, तो मैं आपको उसका गंडे बनाऊंगा, इत्र लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से काम करना है, आपको इत्र कैसे लगाना है। आइए विदाउट कोड़ी में है, बहुत अच्छी क्वालिटी में, घर का पट्टा है हमारे दोस्त के, बहुत अच्छी क्वालिटी में 10-10 हदे लगाया हुआ है, बहुत अच्छा कबूतर। और दोस्तों जब इसके गंडे आ जाएंगे तो सोचो और इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो बहुत पक्की नस्ल होती है, देखा है मैंने इन कबूतरों के गंडे नहीं आते हैं, तो आज दोस्तों इन्हीं पर टेस्ट करेंगे इनके गंडे आएंगे नहीं आएंगे। तो आज मैं इनके गंडे भी आपको दिखाऊंगा कैसे निकालने हैं चौड़े वाले, बड़ा कबूतर है तो सो दोस्तों एक मैं बताऊं कि किसके बड़े बनाऊंगा, किसके पतले गंडे बनाऊंगा, किसके चौड़े बनाऊंगा, नखूनी और चौड़े बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों नखूनी क्या होता है, ये दोस्तों जो परियों के ऊपर के पर होते हैं ये बड़े वाले, ये तो चौड़े गंडे कहलाते हैं, और जो जस्ट इसके ऊपर की दूसरी परत होती है ये बहुत इससे बारीक होती है हल्की, इसे दोस्तों नखूनी बोलते हैं। तो दोस्तों ये चौड़े गंडे हैं, साइज का बड़ा है कबूतर तो हमें चौड़े गंडे बनाने, बड़ा कबूतर है तो चौड़े गंडे अच्छे लगेंगे उसपे, और थोड़ा साइज का अगर छोटा कबूतर है तो उसपे छोटे, तो हम ये बड़ा हमारा बहुत अच्छा साइज का कबूतर है तो मैं इसके बड़े गंडे बनाऊंगा, आप मैं दिखाता हूँ। देखिए ये ऐसे बाजू खोल लें, दूसरा कोई साथ में हो ऐसे बाजू खोलें दोस्तों, पूरी अलग ही दिख रहा है देखिए पट्टी, तो मैं यहाँ से निकालना स्टार्ट करूंगा इसके ऊपर स्टार्टिंग से। कोई गलत पर नहीं खींचना है क्योंकि वरना कोई बारीक आ जाता है, कोई चौड़ा जाता है, कबूतर की खूबसूरती और खराब हो जाती है। एक कमेंट से दोस्तों और भाई ये भी आया था कि उस्मान भाई इनके इतर लगाएंगे तो इनका दर्द तो नहीं होगा, तड़पेगा तो नहीं कबूतर, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं तड़पता तो नहीं है कबूतर, मैं भी आपको इतर लगा के छोड़ के दिखाऊंगा, हल्की बहुत तो मिर्चे लगेंगी जब उसके जख्म पे वो लगाएंगे इतर लगाएंगे। ये दोस्तों ये देखिए हमने इसके चौड़े वाले पट्टे गंडे पूरे सब निकाल दिए, ऐसे इस बाजू के निकाल देंगे, बाजू खोल के देखें पूरी लाइन जा रही है, अभी पर ही रहेगा इसी के साथ के हैं ये। ये देखिए पूरी बाजू साफ हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ इतर कहाँ लगाना है। बहुत से कहते हैं भाई इतर कैसे देखें, तो ये देखिए अगर इसके पर उठाएंगे ये जो बचे हुए हैं इसको आप एक हाथ से ऊपर उठाएंगे इस तरह से, तो ये आपको अंदर है ना जो हमने पर निकाले हैं उनके छेद नजर आएंगे इस तरह से, देखिए
मांस नजर आएगा, ये जहां से पर निकाले, तो इसके अंदर हमें इत्र लगाना है। बहुत हल्के से मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है इत्र हमारा, जैसा कि आपको लास्ट पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अब मैं इसका नाम बताता हूँ दोस्तों, ये है दाना इत्र। दाना इत्र के नाम से आपको किसी भी इत्र वाले के पास मिल जाएगा, कहना आप भाई दाना इत्र चाहिए तो आपको इत्र मिल जाएगा। काफ़ी सस्ता होता है ये, तो मैंने लगभग 40 या 50 रुपये का लिया था, सस्ता ही था। तो आइए मैं इसको लगा कर आपको दिखाता हूँ। इसकी डाट खोल लेनी है, दोस्तों अभी इस वक्त बर्ड्स तो हवा पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको पर की सहायता से कबूतरों पे लगा अवेलेबल करके दिखाता हूँ। इससे इत्र ले लेना है, थोड़ा सा डुबोना है, ये भी नहीं कि ज़्यादा बिछा लगा देना है, बहुत मामूली सा लगाना है इस तरह से, पर उठा के बन डुबा दो। दो आदमी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों इसमें इत्र लगाने के लिए, और जो इसके छेद हैं जहां से हमने पर निकाले हैं वहां अप्लाई करना है। बहुत आसान है, कोई भारी काम नहीं है। बस फर्स्ट टाइम जब आप लगाओगे तो आपको लगेगा यार बड़ा मेहनत का काम है, मगर बहुत आसान है, कोई वैसा नहीं है। इसी तरह से दोस्तों एक ही बाजू में हमने लगा दिया, इसी तरह से दूसरी बाजू में हमें लगाना है। तो दोस्तों ये हमने कबूतर का लगाया और ये छोड़ दिया, थोड़ी देर तो खो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके जपरों के अंदर को हमने इत्र लगाया है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जैसे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि उस्मान भाई की तड़पेगा तो नहीं या कुछ परेशानी तो नहीं होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको इसे उड़ा के भी दिखाता हूँ, ये है देखिए, बिल्कुल सही कंडीशन में है। काफ़ी हमारे पास कबूतर है इस टाइप के, हम काफ़ी कबूतरों को इसी तरह से बनाएंगे। दूसरी बात ये, काफ़ी कमेंट्स ये भी आएगा उस्मान भाई इत्र का मिलेगा, तो दोस्तों अधिकतर इत्र जो मिलता है आपको के कोई मस्जिद वगैरह के पास में दुकानें हो जाती हैं, जामा मस्जिद वगैरह हो, बड़ी मस्जिद के आसपास ही दुकानें होती हैं इस टाइप की, जहाँ पे आपको इत्र अवेलेबल हो जाता है। अगर दाना इत्र ना भी मिले तो आप इत्र वाले से बोलें कि भाई हमें कोई तेज़ इत्र दे दें जिसकी खुशबू भी तेज़ हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों बनाने के बाद हमें कमेंट्स में भी बताएं कि आपने अप्लाई करा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई और किस किस के गंडे बने कबूतरों के।